हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। हम पढ़ रहे थे इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे कम्बस्टिबल सब्सटेंसेस कैसे जलती हैं। वी फाइंड दैट कम्बस्टिबल सब्सटेंसेस कैन नॉट कैच फायर और बर्न एज लॉन्ग एज इट्स टेम्परेचर इज लोअर देन इट्स इग्निशन टेम्परेचर। यानी वी फाइंड दैट, हमें ये पता चल रहा है कि जो कम्बस्टिबल सब्सटेंसेस होती हैं, जिनको आग लगने वाली होती है और एक निश्चित तापमान पर उनको आग लगती है, तो यानी कि वो बिना उनके इग्निशन टेम्परेचर पर पहुँचे, अगर उनका टेम्परेचर जो है वो इग्निशन टेम्परेचर से लोअर होता है, कम होता है, तो वो आग नहीं पकड़ती। हैव यू एवर सीन कुकिंग ऑयल कैचिंग फायर व्हेन ए फ्राइंग पैन इज कैप्ट फॉर लॉन्ग ऑन ए बर्निंग स्टोव। अगर गैस पर हमने फ्राई पैन रखा है, फ्राई पैन में हमने तेल डाला है, तो उसको अगर आग पर ज़्यादा देर तक हम रखेंगे तो उसको तेल को भी आग लग जाती है। कैरोसिन ऑयल एंड वुड डू नॉट कैच फायर ऑन देयर ओन। कैरोसिन ऑयल को भी अपने आप आग नहीं लगती, ना लकड़ी को अपने आप आग लगती है रूम टेम्परेचर पे। बट इफ़ कैरोसिन ऑयल इज़ हीटेड ए लिटल, अगर उसको थोड़ा सा गर्म किया जाए तो इट विल कैच फायर। क्यों? कैरोसिन ऑयल जो होती है, जब गर्म करते हैं तो वो एवेपोरेट होता है। एवेपोरेट होने से जो उसके वेपर्स होते हैं उनको आग लगती है। बट इफ वुड इज हीटेड, गर्म करेंगे, लकड़ी को गर्म करेंगे तो उसको आग नहीं लगती, इट वुड स्टिल नॉट कैच फायर। डज इट मीन दैट इग्निशन टेम्परेचर ऑफ कैरोसिन ऑयल इज लोअर देन दैट ऑफ वुड? इसका मतलब है लकड़ी से कैरोसिन ऑयल का टेम्परेचर जो है, इग्निशन टेम्परेचर जो है वो कम है। डज इट मीन दैट वी नीड टू टेक स्पेशल केयर इन स्टोरिंग केरोसिन ऑयल? को स्टोर करने के लिए हमें खास ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये जो एक्टिविटी है ये हमें बताएगी कि क्या करना चाहिए। जैसे ये हम पेपर कप बनाया है, एक उसके अंदर पानी डाला है, पेपर कप बनाया है उसके अंदर पानी डाला है, 50 ml पानी डाला है, तो उसको हम गर्म कर रहे हैं कैंडल से। तो एक बिना पानी डाले हमने इसको गर्म कर रहे हैं, तो ये जो पेपर कप है इसको आग लग जाएगी, इसको नहीं लगेगी, इसमें पानी गर्म होना शुरू हो जाएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो वाटर है इट लोअर्स द, यानी कि इसका टेम्परेचर जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि इसको आग नहीं लग सकती। जब तक पानी को तो आग लगेगी नहीं, इसलिए इसको नहीं आग लगेगी, ठीक है। जब तक ये पानी पूरा भाप बन के उड़ नहीं जाता और पेपर सूख नहीं जाता, तब तक इसको आग नहीं लगेगी। तो दिस शोज दैट अदर सब्सटेंसेस जो होती हैं, दूसरी चीज़ें जो होती हैं, वो उसमें आग लगने में उसकी हेल्प करती हैं। व्हाट हैपन्स टू द एम्प्टी पेपर कप? जो खाली पेपर कप होता है उसको क्या होता है? तो उसको पेपर कप को पानी वाला जो है उसको आग नहीं लगती, तो वो पानी उसके अंदर गर्म होना शुरू हो जाता है। इफ़ वी कंटिन्यू हीटिंग द कप वी कैन इवन बॉयल वाटर इन द पेपर कप। पेपर कप में हम पानी बॉयल भी कर सकते हैं, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी गर्म होता है तो वो गर्म हो जाता है, लेकिन पेपर को आग नहीं लगती, क्योंकि पानी का जो, उसको तो बॉयलिंग होगी फिर उसको भाप लगेगी। कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फिनोमिनन? द हीट सप्लाइड टू द पेपर कप इज ट्रांसफर टू द वाटर बाई कंडक्शन। आपने जो पेपर कप को हीट दी वो पानी के गर्म होने में उसको ट्रांसफ़र हो गई कंडक्शन के द्वारा। जैसे किसी चीज़ को टच करते हैं, उसको गर्म करते हैं तो हीट आगे चली जाती है। सो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज़ नॉट रीच्ड। यानी जितना उसको टेम्परेचर चाहिए जिस पे उसको आग लगेगी, वो टेम्परेचर नहीं पहुंच पाता, इसलिए उसको आग नहीं लगती। द सब्सटेंसेज विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन इजीली कैच फायर विद ए फ्लेम आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। ये याद रखना है आपने।